हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वाति सिंह एक बार आपका फिर से वेलकम करती हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल में। सो आज का हमारा टॉपिक है बीएससी सेकेंड ईयर के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का टॉपिक है, जो कि मेंबर कॉर्डेट के का एक मेंबर है जिसका नाम है ब्रैंकियोस्टोमा। इसके सीलोम के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका सीलोम किस प्रकार का होता है, ये ओरिजिन में किस प्रकार का होता है एंड ये किस रीजन में कितना डेवलप्ड होता है एंड इसका फंक्शंस क्या होता है, आज हम इसके बारे में कम्प्लीटली डिस्कस करेंगे। सो स्पेशली ब्रैंकियोस्टोमा के सीलोम के बारे में डिस्कस करने के पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में सीलोम क्या होता है। जैसे कि हमको पता है कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है वो हॉलो लाइक होती है, हॉलो मतलब खाली ड्रम की तरह होती है। उसकी जो बॉडी वॉल होती है, मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनिज्म, इसकी जो बॉडी वॉल है और उसकी जो एलिमेंट्री कहना, मान लीजिए ये ह्यूमन बीइंग है, उसका जो ये स्टमच वाला पार्ट हो गया, ये इसका ओसोफेगस वाला पार्ट एंड इसके बाद इसका इंटेस्टाइन वाला पार्ट, मतलब ये इसका पूरा मान लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम है और ये इसकी बॉडी वॉल है। तो इसके बीच में जो स्पेस है उसके बीच में जो कुछ फ्लूइड भरा था इसको सीलोम कहते हैं। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में सीलोम नहीं पाया जाता, लेकिन डेवलपमेंट जैसे जैसे होती रहती है, हम जैसे हायर कॉर्डेट्स में आते हैं, कुछ लोअर कॉर्डेट्स भी सीलोम का फॉर्मेशन होता है, लेकिन हम ब्रैंकियोस्टोमा में स्पेशली बात कर ले तो इसकी जो इसमें जो सीलोम पाया जाता है वो ट्रू सीलोम पाया जाता है, जो कि एक ऐसे फ्लूइड से मिलके भरा इस फ्लूइड से मिलके बना होता है जिसमें लिम्फ लाइफ स्ट्रक्चर्स होता है। जैसे कि हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है उसी तरीके से इसमें लिम्फ लाइफ स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो इसका जो सीलोम होता है, ब्रैंकियोस्टोमा का जो सीलोम होता है, मतलब कि यहाँ पे ट्रू सीलोम पाया जाता है, मतलब कि ट्रू सीलोम एंड प्सीडोसीलोम से मतलब क्या होता है कि जैसे कि जो अगर कोई ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी बॉडी जो है जैसे ह्यूमन बींग की बॉडी 3 प्रकार के सेल से मिलके बने थे, जैसे ओरिजिन में एक्टोडर्मल सेल, मेसोडर्मल सेल एंड एंडोडर्मल सेल। तो पर कुछ ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी होती है वो सिर्फ एक्टोडर्मल और एंडोडर्मल प्रकार के सेल से मिलके बनी होती है, सो उनमें कोई भी सीलोम नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्मल सेल्स पाई जाती हैं, बट उनके बीच से मेसोडर्मल सेल्स फुल्ली डेवलप नहीं पाई जाती, वो पाउचेज के रूप में पाए जाते हैं। तो उन प्रकार के जो सीलोम होता है उसको प्सीडो सीलोम कहते हैं, मतलब झूठा सीलोम। एंड जो ब्रैंकियोस्टोमा में सीलोम पाया जाता है उसको ट्रू सीलोम कहते हैं। एंड ये अगर हम देखें तो सीलोम जो है ब्रैंकियोस्टोमा का इंटीरियर सीलोमिक ओरिजिन है, मतलब कि ये अगर हम देखें तो मान लीजिए ये एक्टोडर्म और ये एंडोडर्म, तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में एक मेसोडर्म की एक पाउच पाई जाती है, जो कि पाउच फिर फुल्ली डेवलप्ड होकर एक दूसरे से मिल जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे एक्टोडर्म, यहाँ मेसोडर्म और एंडोडर्म 3 लेयर्स का फॉर्मेशन रहता है। ये प्रोसेस ग्रेस्टुलेशन के समय में होती है। हम जब बीएससी का सेकंड पेपर पढ़ेंगे जूलॉजी का, तो वहां पे आपको ग्रेस्टुलेशन के बारे में कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। अगर हम आगे बात करें तो जब ब्रैंकियोस्टोमा के हम जब लोअर पार्ट में आते हैं, जहाँ पे उसका एंटीरियर पोर रहता है, वहाँ से इसका जो सीलोम है वो राइट साइड में उसका रिड्यूस जाता है, मतलब कि यहाँ पे इसका सीलोम जो है फुल डेवलप, मतलब कि उस हिसाब से नहीं डेवलप होता जिसका जितना इसके इंटेस्टाइनल वाले पार्ट में होता है। और अगर हम देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इन हायर कॉर्डेट सीलोम इज अब्सेंट इन द फेरेंजियल रीजन, बट इन एम्फियोक्सस इट इज प्रेजेंट सीलोम मस्ट रिड्यूस कंडीशन इन द फेरेंजियल वॉल। मतलब कि जो हायर कॉर्डेट्स होते हैं, जैसे हम हायर कॉर्डेट्स, जो भी हायर कॉर्डेट्स के मेंबर होते हैं, उनमें क्या होता है कि जो फेरिंग वाला पार्ट होता है वहां पे कोई भी सीलोम नहीं पाया जाता। लेकिन जो ब्रैंकियोस्टोमा है ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें फेरिंग वाले पार्ट में भी जो है कि फेरिंग वाले पार्ट में भी सीलोम का पाया जाता है, वो उतना डेवलप तो नहीं पाया जाता, छोटे छोटे पाउचेस के रूप में पाया जाता है, बट ये वो पाया जाता है। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये टॉपिक आप अपने एग्जाम में इंक्लूड कर देते हैं तो आपको इंश्योर आपको मार्क्स में आपके मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। एंड आगे हम बात करें तो ए पेयर ऑफ डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल सीलोमिक कैनाल आर प्रेजेंट इन द आदर साइड ऑफ द एवर द फेरेंजियल, मतलब कि जो डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल सीलोमिक कैनाल है वो मतलब कि जो फेरिंग्स होता है उसके दोनों साइड में ब्राउन फ्यूनल में पैक होते हैं और ये जो है दोनों साइड में पाए जाते हैं। और जो वेंट्रल सीलोमिक कैनाल होता है वो प्राइमरी गिल्स बार की तरफ रन करता है और ये भी दोनों साइड में पाया जाता है। स्मॉल सीलोमिक फील्ड आर आल्सो प्रेजेंट अराउंड द मिड गट एंड मतलब कि जो सीलोमिक फ्लूइड होता है वो मिड गट एंड लीवर, सॉरी यहाँ पे लीवर होना चाहिए, लीवर डाइवर्टिकुलम एंड विद इन द गोनाड सील, मतलब कि ये गोनाड सील, लीवर एंड मिड गट सारे पार्ट्स में पाया जाता है। ये
ये टॉपिक काफी लंबा तो नहीं है, ये अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाता है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप सिलोम के बेसिस के बारे में जान जाते हैं तो आप किसी भी ऑर्गेनिज्म के सिलोमिक एक्टिविटी और उनके सिलोमिक फंक्शंस के बारे में इजिली डिस्क्राइब कर सकते हैं और उसके बारे में इजिली लिख के पेपर में नंबर गेन कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एंड इसी तरीके से हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।